ये स्टाइल को चेंज करो, वो मत बनो। अरे बिल्कुल अरे इतनी सारी जनता तुम्हारे साथ, हिम्मत क्यों हार रही हो? और हम तो हिम्मत हारने वाले हैं। पूनम पंडित, पूनम पंडित, तो भी ले लेंगे जिन्हें आप विधायक बनाओगे, ठीक है? अब मेरे हाथ में भी पावर नहीं है, अभी तो मैं भी आपके जैसी हूँ ना, भूखे नहीं। अब आप जब युवा, जो है युवा का तो बहुत योगदान है, भर भर के कराइए वोट, और फिर जब चीजें ना हो तब आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है? आप इतने इनको बोलो कि आपके ट्रैक छीन लिए, टीचर के साथ सिर में चोट लग गई थी किसी ने, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो ट्रैक में फिर रुकवाएगी भी, लेकिन इस पे ट्रैक का नाश कर दिया, चला चला टीचर तो मजबूर दौड़ना, इस पर दुर्घटना हो रही है, कोई जिम्मेवार है? सरकार तो भर्ती देना रही थी हमारी, यानी कि जानबूझ के किया गया सर, जानबूझ के 2.5 साल तो हो ही रहा हमारे खेल, हमारे घर ढाई साल तो हो रहा है यार। तुम पढ़े लिखे हो, कहाँ जाओगे? ढाई साल क्या करोगे तुम? तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो? चार लड़के, छह लड़के होते हैं बस आवाज उठाने वाले, ये नहीं है कि सभी को विधानसभा में लड़के सभी को भर्ती ना रही, बेरोजगार हो गए तो कुछ तो करो, कम से कम इनके खिलाफ तो बोलो, जो ये तुम्हारे हक छीन रहे हैं उनके खिलाफ तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? डरते हो मुकदमों से, डर जाते हो क्या? फांसी लगे कोई मुकदमों में? जितने अच्छे, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ, सियाना विधानसभा का जितना यूथ है, ऐसा नहीं है आपकी जान पहचान नहीं होगी गांव गांव में, सब यूथ को एक मंच पे जोड़ो, तुम्हारे सियाना से आवाज उठेगी तो पूरे जिले में उठेगी, फिर वो हर जिले में उठेगी, ऐसे ही तो बनते, थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत होती है, तो आप सबको जोड़ो, यूथ पूरा इकट्ठा हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा, इतने लड़के यूपीएससी के वहाँ भर्ती मांग रहे थे, आपने किया उनको सपोर्ट? नहीं किया। जब आप उनको वहाँ सपोर्ट करने जाते तो वो आपके यहाँ धरने पर आते आंदोलन करने के लिए, यही तो बात है। हम सोचने लग जावे कि हम ही बैठे रहे घर में, कोई बात नहीं, सब हो रहे हैं तो हम भी पड़े रहे, ऐसे सोचते हैं लोग, बात सोचते हैं कि लड़के और आवाज उठा रहे हैं। तो अभी एक तरीका है कि जितना यूथ है आपके सियाने का, अब जिम्मेदारी अपनी समझे, सभी को एक मंच पे जोड़े, जो बेरोजगार है, जो मेहनत करते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती है, एक मंच पे जोड़ने के बाद फिर आप आवाज उठावे, लोग आपको कवर करने आएंगे, ऐसा नहीं नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हमें बताना, हम भेजेंगे, हम आपको सपोर्ट करने आएंगे, बड़े बड़े और नेता आएंगे आपको सपोर्ट करने के, ठीक है? ये काम करो, ये नहीं कि आप रोड पे दौड़ने लग जाओ, कुछ आपके साथ दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोहरा सुबह के टाइम इतना पड़ता है, तुम लोग 4-5 बजे निकलते हो, कोई मर मर आ जाए, किसी का एक बच्चा है, किसी के दो है, ये है ना? तो आप अपने आप इतने साथ रिस्क मत लो, थोड़ी मेहनत और करो, इसको सोच कर। भाई यहाँ से जा रहे थे हम, और वीडियो कवर करी है और इन भाइयों की समस्या सुनाई है, क्योंकि मैंने भी आर्मी की तैयारी करी है भाई, मैं ही समस्या समझ सकूँ, भर्ती नहीं आई 2-3 साल तक, तो इसके लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तो कुछ लोग बोल रहे हैं भाई कि परमानेंटली वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम निकला ना सुबह सुबह, काफ़ी समस्या रोका, काफ़ी समस्याएं देखने को मिला है, और तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इंडियन आर्मी के जवान सुबह सुबह मिले, आज फिर भाई पूनम पंडित क्रिकेट खेलने जा रही है, उधर बच्चे खेल रहे थे, तो आइए देखते हैं। बोलो सारे यार, पूनम पंडित जिंदाबाद, कैसे हो पहले ये बताओ भाई? आ जाओ भैया, आ जाओ सारे भाई, आराम से बोल, कराना चेंज नहीं कराना, ठीक है? जयदीप जयदीप पढ़ाई है क्या? आराम से करानी है, कैसे हो पहले बताओ, रुक जाओ, कैसे हो तुम जवान? बल्ले से बोल नहीं, देख चुके जयदीप भगाओ, होल्ड करने पे 100 रुपए। एक और इंदिरा गांधी अमर रहे भाई, साइड से हटो, हरियाणा के तो ये बोलो चौका मार दिया भैया।